अच्छा, बहुत अच्छा बात है आप हमको पूछने का, इधर हम आके मुलाकात हुआ है। तो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उसके जरिए मतलब आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट होने का वजह से हमारा स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट सीखेगा इसे। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, आज कंप्यूटर क्लास को लेके, कोचिंग को लेके सर आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस, और क्या रहेगा सर? नहीं सर, कंप्यूटर का मन बेसिक कंप्यूटर का हम लोग का तो हमेशा ये स्टूडेंट लोग अच्छा से सीखने से अच्छा ही सोचता है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो ये होगा, जो एनी प्रॉब्लम दे विल फेस, जो स्पेशली गार्डियंस ऑफ दिस, कस्टोडियंस ऑफ दिस बेसिक कंप्यूटर, और कुछ भी प्रॉब्लम हमको अप्रोच करने से आई एम रेडी टू हेल्प देम ऑल्सो, जितना हम सकता है वो कर लेगा। Very good afternoon to each and every one of you. Most welcome our ZPC Kurunkume and his entire team, ZPM of entire Kurunkume district, and guest of honor Nyeri Bingya, and representative from various organizations, earlier Kasu founder, Kasu farmer, or all the teachers, headmasters of various institutions. So I, on behalf of Coloring Damen Principal Law and Sally Student Union, we today is the very marvelous and very auspicious day of entire student of Kurunkume district, as well as especially 21st Coloring. I appreciate each and every one of the ZPM of our entire Kurunkume district who founded, who gives the money to operate the, for the sake of the student, for the benefit of the student, to operate the, this form of, this innovative form of free basic computer education and government higher secondary school coloring. So I hope means all the students, all the students should take part this marvelous कोचिंग इंस्टीट्यूट एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोलोरिंग। हम समझते हैं कि आप सब इसका लाभ उठाएगा, और मैं जितना भी आप सब का ऊपर, और खास करके हमारा अच्छी दारे मादा यंगा इंतियार कुरुकुमे का जिला परिषद, उनका नेतृत्व में जितना भी टीम्स जो हमारा प्रेयर को माना है, मीन्स जितना भी आपने हम लोग का प्रेयर का ऊपर फॉर द सेक ऑफ, फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द बेनिफिट वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट के लिए काम किया है, ये हमेशा इतिहास में गवाह रहेगा। उसी के लिए जोरदार तालियां दीजिएगा। और इसका चलते जितना भी इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारा टीचर, और जितना भी हमारा स्कूल का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचिंग स्टाफ, जितना भी ओवरऑल आज का दाइस में जो प्रेजेंट है, उसी को भी एज ए प्राइमरी, एज ए मेंबर ऑफ, एज ए थ्रोन ऑफ प्रेसिडेंट कासू, आप सबको भी आज का प्रोग्राम में दिल से स्वागत कीजिए। उन सब के लिए भी जोरदार तालियां दीजिए। तालियां में कम लग रहा है तो बोलना तो बहुत चाह रहा है, लेकिन टाइम जो है कि लिमिटेड है, पर भी मैं बात रखूंगा। आज हम ये बोलना चाह रहे हैं, जितना भी स्टूडेंट है, टीचर है,
उसको इनिशिएट करके, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि ये जो खत्म हो जाएगा, ये जो है कि आज करके कल करके खत्म है, ये एक लॉन्ग लाइफ का बच्चा, आने वाला मेरा जो बच्चा है उसी के लिए एक उसको एक ज्ञान मिलेगा। तो ये जो इनोवेटिव अंडर गाइडेंस ऑफ मी, अंडर गाइडेंस ऑफ मेरा एग्जीक्यूटिव का वजह से उन लोग को प्रेयर किया है, आज हुआ है। ये आज का तारीख बहुत ही हमारा इंटीरियर कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट और खास करके तुंती पास यादगार रहेगा, तो उसी के लिए जोरदार तालियां दीजिएगा आप लोग। तो हम ये बोलना चाह रहा था, ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी ये बात करना चाहूंगा, स्टूडेंट शुड बी वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑनेस्ट। आपका स्टूडेंट जो है वेरी सिंसियर होना पड़ेगा, इसको सीखने के लिए, उसका लाभ को उतारने के लिए वेरी सिंसियर, वेरी डेडिकेशन। आप टीचर को आदर्श करना पड़ेगा, आप बड़ा का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग देश गोन, हम लोग का टाइम हुआ करता था जब गुरुजी हमारा सीनियर जाता था, वी ऑल आर द स्टैंड लाइक दिस, ऐसे करा रहता था बिफोर आफ्टर बिफोर क्रॉसिंग। तो आज का समय में हमारा स्टूडेंट का ऊपर में भी ये काम है। आई एम बीइंग द सोल्जर ऑफ द दिस 21st कोलोरिंग असेंबली, आप लोग का रिप्रेजेंटेटिव होने का नाते कभी कभी हमें दुख लगता है। समटाइम मेरा स्टूडेंट लोग, आप लोग जो है कि मॉरल साइंस को भी बीच बीच में मैडम आप लोग भी पढ़ाया जाइएगा, जितना भी टीचर से उसी को भी मैं अपील करता हूँ। ये टीचर, ये स्टूडेंट का ऊपर में है ये है। और आप लोग का पेरेंट्स आज का समय में स्टूडेंट को भी कदर ऐसे नहीं होगा। मैडम ये देखिए, आप लोग का जिला लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि स्टूडेंट का ऊपर में जो पेरेंट्स का गाइडेंस भी सही रहना चाहिए, मीन्स ध्यान देना चाहिए। और हमारा लाइफ समय में, हमारा जनरेशन में जो चीज़ हमको विक्टिम हुआ है, वो हम नहीं चाहता है मेरा आने वाला विद इन द फेरी पेरी ऑफ 21st कोलोरिंग में हमारा बच्चा जो है कि कुछ लैक ऑफ एजुकेशन का वजह से प्रॉब्लम हो, उसका लाइफ करियर ये पूरा डिफांग हो जाओ, हम नहीं चाहता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम हम हमेशा स्टेट में, हम हमेशा डायरेक्टर लेवल में टीचर के लिए सुविधा मांगता है, कहीं भी कॉर्नर में हेल्थ का ग्राउंड हो, लेकिन भी बाय थ्रो आप लोग जो है कि इसको वहाँ में जो भेज रहे उसको आप लाभ उठाना पड़ेगा, टीचर का बात मानना पड़ेगा, आदर्श करना पड़ेगा गुरु का। तो ये है, तो हमेशा ऑलवेज कसु यार 1990 से जो एक रिनाउंस, वन ऑफ द रिनाउंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका समय में सदियों पहले पॉलीगेमी होता था, फोर्स मैरिज, चाइल्ड मैरिज होता था, रिवेंज सिस्टम होता था, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं था हमारा अंडर एरिया में। उस समय में हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गाइडेंस पास्ट प्रेसिडेंट संघा रामन और ये आपका अच्छी यमनाम कहा का समय से लेके सदियों से चलते आ रहा है। तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग एराडिकेट कसू अभी का समय में 21st सेंचुरी में हम एजुकेशन और हेल्थ में हम जो है कि गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, और हमेशा उसी कोज में हमारा ZPC ऑल द जिला हमेशा हमको साथ देते रहा है। हर डिपार्टमेंट में यहाँ जाओ यहाँ बात करो, हमेशा गाइडेंस मिल रहा है ऑल द कुरुकुमे जिला को। मैं दिल से उसी के लिए भी धन्यवाद, जोरदार ताली दीजिए उसके लिए। जितना भी आया, जितना भी मीन्स मैंने ये सीनियर आया, जितना भी टीम आया, न्यूज़ का टीम आया कैपिटल से, और ये का AICF अरुणाचल और अरुणाचल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फेडरेशन आया, वो सबको दिल से स्वागत करता हूँ। और DMK न्यूज़ आया या हमारे में ATTB न्यूज़ आया, आप सबको ये इंतजार करूँगा। आप लोग भी एक बार आया ये तो यहाँ का कवरेज भी ले लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आप लोग हायर अथॉरिटी लेवल तक पहुँचा दीजिएगा, मीन्स मैंने मिनिस्टर गवर्नमेंट लेवल तक। आज तक पैथेटिक कंडीशन में है, मरम्मत करने के लिए जोर तो रहा है लेकिन इट्स वेरी लेट। तो मैं यहाँ तक बात रखूँगा, थैंक यू सो मच। सर आपने वैसे बहुत सही काम कर रहे हैं सर, आपका कोलेरंग पे प्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स प्रोवाइड करके। हाल में सर ये कोर्स सिर्फ नहीं है कि हमें देखने को आ रहा है कि ये कोचिंग सेंटर भी खोला जा गया है, तो सर आपका दिमाग में कैसे आया आइडिया कि मतलब ये यहाँ में बहुत ज़रूरी है? ये जो कोचिंग सेंटर खोलना, ये जो हमारा पास तो दिमाग नहीं आया, यहाँ का स्टूडेंट लीडर हमारा दामिन सरली परसी परलो कोलरिंग कसवा प्रेसिडेंट जो केजिक चाबुक और ये चेलो तोबिन टीएम लोग मेरे पास अपील करने आया है, तो बोला ये
अच्छी है हमारा स्टूडेंट कंप्यूटर कोचिंग का ये जो है क्रोन कमी में बहुत ज़रूरी है बोला है, तो आप लोग का पंचायत टीम से सपोर्ट चाहिए बोला है, जे टीम से सबसे सपोर्ट चाहिए बोला है, तो हम सही इसका अपील को देखा है, हमको सही लगा है, तो हम उसको कमेंटमेंट किया होगा, हम साथ देगा, तो इसी हिसाब में हम साथ दिया था। सर आप कब तक इसे स्पॉन्सरशिप करेंगे सर, आप कब तक पन देते रहेंगे सर? इसी का स्पॉन्सर को हम लोग भी देखा है अभी, कंप्यूटर तो हम लोग को पंचायत टीम से दे दिया, तो इसी पंचर इसको तो सिखाने वाला कोचिंग करने वाला को तो चाहिए, इसका मंथली फी चाहिए ना, तो उसी को हमारा 21 कॉलिंग ईमेल को हम लोकम तसर को हम रिक्वेस्ट किया है आपका ले दिया हो, जहाँ भी आप ये हर साल में कुछ एडजस्टमेंट कर दो 2 लाख करके, तो हमारा ईमेल 21 कॉलिंग ईमेल लिख के दिया है 2 लाख 2 लाख लिख कर डी सी को, इसका ईमेल ले हर साल 2 लाख देगा बोल के लिखा है। सर अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में हो इलेक्शन होंगे सर, तो अगर उसमें आपका एमएलए हार जाएंगे तो उसके बाद कौन करेंगे? 24 में अगर हमारा एमएल वापस नहीं आता है बोलने से भी, जो आने वाला एमएल वो ही देगा, जो हम लोग ऐसे डिस्कस किया है, आने वाला एमएल जो जब तक ये कंप्यूटर कोच ये करेगा, जो आने वाला एमएल इसको 5 साल के लिए देते रहेगा, जो जो पाँच साल जो भी आज जो दे रहा है ये नहीं है रूलिंग अपोजिशन का बात नहीं है, हमारा करूँ को मैं स्टूडेंट लोग के लिए दे रहा है, उसमें 2 लाख रुपये 2-3 लाख रुपये बराबर नहीं, उसको डेवलपमेंट मित्र में तो सब हर कोई एमएल साथ देना चाहिए, हम ज़्यादा भी मंगाए नहीं, ये थोड़ा से पैसा मंगा है। सर ये सुविधा को कौन कौन बच्चे उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं? ये सुविधा बोलने से यहाँ का क्रोंगमे का स्टूडेंट जो स्टूडेंट यहाँ में है, कोई कोई बाहर जाने नहीं सकता है, कंप्यूटर ये छोटा छोटा गरीब लोग होता है ना, बाहर नहीं सीख सकता है, वो लोग बच्चा यहाँ सीखेगा, और यहाँ का हमारा क्रोंगमे में जो यहाँ का स्टाफ लोग भी कोई जो नहीं जानने वाला पब्लिक भी जो इंटरेस्ट से सीख सकता है ये कंप्यूटर में प्री कोचिंग है तो। सर और ये आपका यहाँ कोलोरिंग टाउन पे, यहाँ का कोलोरिंग टाउन का रोड जो है एकदम सर बहुत ख़राब कंडीशन में है, गाड़ी चलने का हम ऐसा लगता है कि हम किसी गांव के रोड पे चल रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? ये रोड प्रॉब्लम को तो हम लोग मेरा पंचायत टीम लोग हम पहले भी हमारा डीसी सर के साथ डिस्कस हुआ है, इसको मेंटेनेंस कुछ करने से ठीक है क्या करना चाहिए, तो हमारा डीसी साहब बताया ये ऑलरेडी टेंडर है, तो टेंडर का वजह से अभी कॉन्ट्रेक्टर को भी हम लोग वही बोला है काम को शुरू करो, इसको किस लिए शुरू नहीं करा है, तो हम लोग पंचायत एज पंचायत लीडर में हम लोग यही अपील कर सकते हैं आप लोग काम शुरू करा, तो वो काम शुरू करेगा नहीं करेगा समय तो हम लोग नहीं दे पा रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ आसिफ, आसिफ मीन्स ऑल अरुणाचल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फेडरेशन, एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर जेडपीसी सर, ऑनरेबल जेडपीसी सर कुरुंगकुमे, श्री दारे मादा यंगदा जी एंड ऑनरेबल डीसी सर कुरुंगकुमे निंगी बिंगिया जी, मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग को स्पेशली कंप्यूटर का रिलेटेड में बताने के लिए, जो ये आसिफ 2017 में फॉर्म हुआ था, 2017 में फॉर्म हुआ था, ये स्पेशली हमारा अरुणाचल को बदलने के लिए, क्यों बोलने से अरुणाचल में इस तरह है कि बहुत सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट में बच्चा को बिना पढ़ा के सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट देने के बाद वो कहीं पे ऑफिस में जाता है क्या करता है कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, तो उस चीज़ को हम लोग सोचा है, हम लोग का जो जनरेशन है, हम लोग का जो फ्रेंड सर्कल है, हम लोग ये सोचा है कि हम लोग अपने अरुणाचल को बदलना है, तो ये चीज़ को सोच के ये आसिफ को हम लोग ने 2017 में फॉर्म किया था, बट 2017 के बाद उसमें ये हुआ था कि कोरोना आ गया, तो कोरोना काल में कुछ काम को प्रॉपरली नहीं कर पाया, गवर्नमेंट से बातचीत नहीं हो पाया, तो इसलिए पेंडिंग होके 2021 से इसको हम लोग कार्यक्रम को हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू करने के लिए शुरू किया गया, तो इसीलिए मैं आज कुरुंगकुमे में यह पहला स्टेप है जो हमारा जेपीसी साहब ने ये चीज़ किया है, मैं चाहता हूँ इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी तरह अपना अपना एक लीडर इसी तरह एक स्कूल में फ्री कंप्यूटर कोचिंग खोल देता है, तो यहाँ का स्टूडेंट के लिए सबको उस स्टूडेंट को लाभ मिलेगा जो कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, जो प्राइवेट में फी दे के अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो स्पेशली मैं हमारा जेपीसी सर जो कुरुंगकुमे का जो ये पहला स्टेप लिया जो ये कुरुंगकुमे का हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और आप लोग को ये दोहराना है कि हम लोग कुरुंगकुमे में जो दारे मादा जी सर ने आने के बाद ये चीज़ को बदलाव को लाया, जो आप लोग को आज के दुनिया में कंप्यूटर जानना बहुत ही जरूरी है, हर एक फील्ड में
आपको कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि बिना कंप्यूटर का, बिना कंप्यूटर नॉलेज का आपको कोई भी फील्ड में आप काम नहीं कर पाएगा। कहीं भी जाना है तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए आज मैं हमारा आसिफ का मैं पूरा डिटेल को बताना चाहूँगा। तो हमारे आसिफ में जब आसिफ फॉर्म हुआ था बहुत सा प्राइवेट इंस्टीट्यूट लोग कंप्लेन किया कि ये आप लोग क्यों बनाया। तो हम लोग दो तीन इंस्टीट्यूट को भी पकड़ा है कि फेक सर्टिफिकेट इशू करते हैं बोलते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने बनाया था। तो आप लोग नहीं सोचना है कि आसिफ जो सिर्फ नाम से है, आसिफ जो ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग डरना नहीं है कि आसिफ का सर्टिफिकेट जो इनवैलिड होगा बोलते, ऐसे नहीं डरना है। तो आसिफ जो वैलिड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑल इंडिया का लेवल में, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आसिफ जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है और उसके साथ रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। उसके बाद NISO सर्टिफाइड 9001 टू 2015 के अंदर में रजिस्टर है। देन उसके बाद रजिस्टर अंडर नीति आयोग, जो नीति आयोग बोला जाता है, जो दर्पण, जो यह हम लोग दिल्ली लेवल में होता है, जो NGO को रजिस्टर करना पड़ता है, तो यह इसका अंदर में भी रजिस्टर है। उसके बाद MSME उद्यम, उद्यम बोला जाता है, जो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंदर में आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में उद्यम के अंदर में भी ये रजिस्टर किया गया है। उसके बाद हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर में भी रजिस्टर किया गया है आसिफ को। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अंदर में भी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। देन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स में भी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। देन उसके साथ साथ हमारा आसिफ ये मुद्दा को लेके चलता है कि आत्मनिर्भर भारत, जो किसी और स्टेट से हम लोग डिपेंड नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग जितना भी अरुणाचल का जितना भी एरिया में हम लोग जाने के लिए ट्राई करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर देने के लिए। हम लोग लास्ट टाइम तारासू में भी गया है, तारासू में भी हम लोग 3 महीना बैठ के आया हम लोग टीम ने, वहाँ पे भी हम लोग फ्री कंप्यूटर कोचिंग किया है। वहाँ से हम लोग को सिर्फ क्या होता है कि यहाँ वहाँ का लोकल का सिर्फ सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसी तरह उसके बाद हम लोग काम करते हैं लोकल फॉर वोकल, जो जितना हो सकता है हम लोग अपना लोकल को प्रमोट करने के लिए सोचते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं हम लोग अपना लोकल को ही प्रमोट करने के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए आज सबसे गर्व का बात यह है कि यहाँ पे कुंभकुमे में सबसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर फ्री कंप्यूटर कोचिंग लॉन्चिंग प्रोग्राम है। मैंने तो ये फर्स्ट में सोचा था जब ईटानगर से आया था कि यहाँ तो शायद कुछ 2-3 महीना के प्रोग्राम होता होगा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने पहुँचा तो ये पता चला कि यहाँ का जो ये कंप्यूटर जो सेंटर है ये परमानेंट है बोल के मुझे ये पता चला है। तो ये बहुत गर्व का बात है, आप लोगों को परमानेंटली यहाँ पे एक इस्टेब्लिश मिला है आपको। तो यहाँ पे आप लोग शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम लोग JPC सर ने आप लोग के लिए परमानेंटली ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो हम लोग जहाँ पे भी करता है तो वहाँ पे दो तीन महीना करके हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पे जो कुरुकुमे का जो ये फर्स्ट टाइम रहेगा कि ये परमानेंट है। तो इसलिए आप लोग का बहुत गर्व का बात है। आज एक बच्चा को सीट नहीं मिला, कल उसको नेक्स्ट मंथ को मिल जाएगा। आप लोग नहीं डरना है कि हमको नहीं मिला, और किसी को गुस्सा भी नहीं करना है। और मैं यहाँ पे जो टीचर, यहाँ का जो टीचर रहेगा, वो टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब बच्चा को सही तरीका से ज्ञान दीजिए। अब ऐसे नहीं कि ए पढ़ा लिया तो डायरेक्ट गेट में पहुँच जाए, अब सही तरीके से आप ज्ञान दीजिए कि कंप्यूटर से क्या होती है। आप जो सिखाएगा बच्चा भी वही सीखेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो टीचर है, जो टीचर फैकल्टी रहेगा, इसको आप अच्छा से अपना ही प्रॉपर्टी सोचते और अपना ही भाई बहन है सोचिए, पढ़ाइए। दूसरा बच्चा है उसको मत पढ़ाइए, मत सोचिए, अपना ही भाई बहन को आप पढ़ा रहे हैं, अपना ही भाई बहन को सिखा रहा है उसके आप सोचिए। और यहाँ पे सुनता है कि बहुत कंप्यूटर चोर होता है, ये सब होता है, आप ये सब मत सोचिए, अपना ही प्रॉपर्टी है, आपको संभाल के रखना है। कल को आप पढ़ के जाएगा, आपका भाई बहन आगे पढ़ेगा और आपका बच्चा को पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो इसलिए आपका अपना ही प्रॉपर्टी है, आप इसको संभाल के रखिए, सुरक्षित रखिए। मैं लास्टली वन सेकेंड सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारा आसिफ की ओर से, और स्पेशली थैंक यू टू तारे माता जी JPC सर, थैंक यू।